नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ बच्चे, ये वीडियो है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th के लिए 2021-22 के लिए। यानी कि जो हमारे अच्छे अच्छे बच्चे 10th क्लास में इस साल हैं, यानी कि जिन्हें 2022 में फाइनल करना है, 21-22 सेशन जो है उसके फर्स्ट टर्म का सिलेबस में मैथमेटिक्स का आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैं हर एक वीडियो में अलग अलग वीडियोज में अलग अलग सब्जेक्ट का आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आपको बताऊंगा। ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपका नवंबर और दिसंबर में होगा, और ये भी मैं वीडियो डाल चुका हूं कि अब की बारी जो है कोई भी जो टर्म है वो आगे की तरफ एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। हो या तो होगा या तो नहीं होगा, और वो पॉलिसी मैंने पिछली वीडियो में डाल दी है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म में जो सबसे पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का है ये सिलेबस, वो 6 मार्क का होगा, 6 मार्क का ही होता था ये। और सेकेंड दूसरा चैप्टर है एलजेब्रा। एलजेब्रा में बच्चे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। एलजेब्रा में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 एंड 5 बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 6 मार्क की होगी, और ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल जो चैप्टर है वो 6 मार्क का होगा, और ट्रिगो यानी कि चैप्टर 8, ठीक है ना, ट्रिगो चैप्टर 8 जो होगा वो केवल 5 मार्क्स का होगा। बच्चे ध्यान रख लेना, मैं श्योर कर लेता हूँ, मेरे पास में नोटिफिकेशन यहाँ पर है सीबीएसई का। नंबर सिस्टम 6 मार्क का है, एलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क की है, और ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की है केवल। ये थोड़ा अजीब ना लगे आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके कंटेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मेंसुरेशन ओनली 4 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन केवल 4 मार्क की है, मेंसुरेशन केवल 4 मार्क की है, जबकि मेंसुरेशन में 2 चैप्टर आते हैं, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसका डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ, इसका मतलब है पूरा पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीबीएसई, अगर आप भी जानना चाहें इसको, हालांकि मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा, सीबीएसई academic.nic.in पर भी आप चेक कर सकते हैं। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 3 मार्क्स की है, यानी कि ये जो टोटल मार्क्स हैं ये आपके 40 मार्क्स होंगे, और 10 जो नंबर होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। थोड़ा सा इंटरनल असेसमेंट को भी मैं आपको बता दूं, हालांकि आपके जो स्कूल टीचर है, आपके जो मेंटर है, जो आपके क्लास टीचर है, इसको प्रिंसिपल है, एग्जामिनेशन इंचार्ज है, वो सब आपको टाइम टू टाइम ये सब चीजें बताते रहेंगे। पीरियोडिक टेस्ट जो होगा वो उसके केवल 3 मार्क्स होंगे, 2 लें 3 लें 1 लें, टॉप रखें बेस्ट 2 रखें एवरेज रखें वो उनकी मर्जी होगी। और मल्टीपल असेसमेंट जो होगा, जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में बार बार टेस्ट या कुछ पूछते रहेंगे, वो 2 नंबर का होगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब अचीवमेंट से होता है बच्चे, अटेंडेंस भी इसी में काउंट होगी आपकी, और एक्टिविटी आपकी 3 मार्क की होगी, यानी कि टोटल ये 10 मार्क्स का हो जाएगा, और 40 और 10 जो है आपका 50 मार्क्स का होगा। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। 3 टाइप के एमसीक्यू आएंगे, एक नॉर्मल टाइप में जिस तरीके से आते थे, एक ऐसे रीजनिंग एसर्शन और रीजनिंग टाइप के होंगे, और एक केस स्टडी बेस में होंगे, ठीक है ना। और ये टोटल जो है 50 मार्क्स का हो जाएगा। 40 यहाँ पर है, 90 मिनट का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस होगा, ये टोटल मैं बता दिया है। और मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा ध्यान देना मेरी वीडियो पर, पूरा ध्यान, थोड़ा क्या, पूरा ध्यान देना। रियल नंबर जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें जो है आपके लिए कुछ भी नहीं छूटा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और ये सब चीजें, यानी कि पूरा चैप्टर आपको करना है, ठीक है ना। और दूसरा जो है, हाँ ध्यान रखना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है इसमें, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, और स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड द इलस्ट्रेशन ऑफ मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और रैशनल नंबर्स है, यानी कि 2 चीजें यहाँ से गायब हो गई है बच्चे, एक तो आपका इरेशनल नंबर और दूसरा जो है आपका खत्म हो गया यहाँ से
यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट टर्म से, ना कि सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म का मैं बता रहा हूँ बच्चे। पॉलिनोमियल में आपको जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल निकालना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, बाकी चीजें नहीं है, डिवीजन वाला नहीं है बच्चे, क्वेशेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है चैप्टर 3 में, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो पूरा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा है, ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक तरीके से अच्छे तरीके से नोट कर लेना बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है 2D ही है केवल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल जो है आपका 2D है, ठीक है ना, 3D बिल्कुल नहीं है। 1D तो यार आ ही सकता है, 1D तो आपकी नंबर लाइन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर कंसेप्ट है ज्योमेट्री, और ग्राफ है लीनियर इक्वेशंस का, और डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ भी नहीं है, कोलिनियरिटी जरूर कर लेना मेरे कहने से। ट्राइंगल्स में बच्चों आपके लिए केवल जो थ्योरम है वो बीपीटी थ्योरम है, केवल बीपीटी थ्योरम है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, और साथ की साथ जो है उसके बेस पर क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ में आपकी जो दूसरी थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो है, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि बहुत कम पार्ट में आया है तो ट्रिग्नोमेट्री पे डाउट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि 8.1 आएगी आपको, और 8.2 भी आएगी, 8.2 भी आएगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं, और केवल पहली आइडेंटिटी यहाँ पर दी हुई है, पर कर लेना यार तीनों आइडेंटिटी कर लेना, एक साथ ही होता है ये सब चीजें। अब उसके बाद में एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी आपका चैप्टर है बच्चे, ध्यान रखना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही है मेंसुरेशन में, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं है, ठीक, अच्छे तरीके से सुन लेना बच्चे। और प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी आपका पार्ट है, और प्रोबेबिलिटी तो आपका छोटा सा ही पार्ट है यार, ठीक है ना, तो उसे पूरा आपको करना ही होगा, उसे प्रोबेबिलिटी को पूरा कर ले। उसके बाद में मैं ले चलता हूँ आपको स्टैट्स की तरफ ले चलता हूँ, स्टैट्स में कुछ नहीं है यार। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैट प्रोबेबिलिटी एक ग्रुप का नाम है, और केवल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने डिटेल्ड आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिया है क्लास 10th का, सभी बच्चे अच्छे तरीके से नोट करें, शेयर करें वीडियो को बच्चे, सभी बच्चों को पता लगना चाहिए। और मैं आपको लिंक इस वीडियो के साथ में दे दूंगा CBSE की, अगर आप खुद भी जानना चाहें तो CBSENIC.academic.nic.in पर जाए सी, और 2021-22 का कोर्स स्ट्रक्चर देखें, 20-21 का ना देख लें। तो मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें, और थैंक यू सो मच एंड ऑल द